नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी हैं और इसका वीडियो जो है चैनल पर पहले से ही अपलोड कर दिया गया है। आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो को सर्च कर सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। कमेंट्स आ रही हैं कि सर पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है और डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट भी हमने कर लिया है, तो वो भी सक्सेस है, पेमेंट स्टेटस भी सक्सेस है, एप्लीकेशन स्टेटस भी एक्सेप्टेड है, बट जब फाइनल प्रिंट कर रहे हैं तो फाइनल प्रिंट ड्राफ्ट प्रिंट होके और जो एड्रेस बार होता है क्रोम का या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं तो वो वहीं छप के रह जाता है, मतलब रिफ्रेश करते हैं पेज ब्लैंक रहता है और प्रिंट आउट डाउनलोड नहीं होता है। तो इसका रीज़न क्या है और इसका समाधान क्या है, वीडियो को दोस्तों पूरा देखें तो आपकी समस्या ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना जो पासवर्ड है वो डाल के और कैप्चा डाल के लॉगिन करते हैं। लॉगिन करके हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है और उस प्रॉब्लम्स का समाधान क्या है। यकीन मानिए यदि आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी टेंशन बिल्कुल फिनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए देखिए, लॉगिन हो चुका है और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल एंड दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023, ठीक है, लास्ट डेट कब है, 30/9/23 है ना, ओके। अब यहाँ जैसे पेमेंट करता है तो सीधा हम लोग गो टू डैशबोर्ड पर पहुँच जाते हैं लॉग आउट होने के बाद, यानी कि पेमेंट हुआ, रिडायरेक्ट हुआ, उसके बाद सीधा गो टू डैशबोर्ड। अब वहाँ पर गो टू डैशबोर्ड हम क्लिक किया तो सीधा यहाँ पर आ गए। उसके बाद सबसे पहले आपको डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट करना होता है, तो चलिए यहाँ पर क्लिक करके देख लेते हैं कि स्थिति क्या है। यदि यहाँ पे भी सक्सेस है और एप्लीकेशन स्टेटस भी सब में एक्सेप्टेड कंप्लीटेड है और पेमेंट स्टेटस भी सक्सेस है और पेमेंट भी ऑलरेडी बता रहा है और प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो पहले हम स्टेटस को देखेंगे स्टेप बाई स्टेप, उसके बाद प्रिंट की बात को लेकर चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट किया और पेमेंट अपडेट नहीं हो रही है तो आप 24 से 48 घंटे वेट कर सकते हैं, फिर से आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करके पेमेंट को वेरीफाई करना होता है। पेमेंट वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करके आप पेमेंट को चेक कर सकते हैं, क्योंकि पेमेंट आगे होगा ही नहीं, इनिशियली पेमेंट आपका बता देगा, तो पेमेंट यानी कि कट चुका है। यदि इनिशियली पेमेंट नहीं बता रहा, दोबारा से पेमेंट के लिए ऑप्शन जा रहा है तो आपका पेमेंट फेल्ड हुआ है, फिर भी फीस आपकी कटी है तो आप इंतज़ार कर लीजिए 2-3 दिन, उसके बाद प्रयास करिए डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट का और पेमेंट पर क्लिक करके चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। और लास्ट टाइम के दिन 2 दिन बचे हैं तो दोबारा पेमेंट करने की आपकी मंजूरी हो जाती है फ्रेंड्स, तो आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपने डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट भी कई बार कर लिया है और आपने 2-3 दिन 4 दिन वेट भी कर लिया है और पेमेंट पर भी क्लिक करके देख लिया है, पेमेंट स्टेटस पर भी क्लिक करके देख लिया है, सब जगह आपका फेल्ड ही आ रहा है, सक्सेस नहीं आ रहा है, पेमेंट नॉट रिसीव आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में दोबारा करना पड़ सकता है पेमेंट। और जो ट्रिक्स आपको बताई गई हैं उनका यदि फॉलो करेंगे तो ज़रूर समाधान होगा। पेमेंट से रिलेटेड और भी वीडियो जो है चैनल पर अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए, हम बात कर रहे थे फाइनल प्रिंट आउट जनरेट नहीं हो रहा है। देखिए, सबसे पहला सबूत आपके सामने ये है कि यहाँ पर पेमेंट सक्सेस है, ठीक है, जिन कैंडिडेट्स का पेमेंट बिल्कुल सक्सेस है और प्रिंट नहीं निकल रहा है वो ज़रा ध्यान दीजिए। फर्स्ट स्टेप उनका ये है डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट, यानी कि ये क्लियर है, सक्सेस है, ठीक, अब हम इसे प्रिंट कर लेंगे या फिर इसे क्लोज कर देंगे। अब हमें एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना होगा। दूसरा सबसे बड़ा प्रूफ है आपके सामने है, आप स्टेटस देख सकते हैं, कांस्टेबल मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023 कंप्लीटेड, अपलोडेड कंप्लीटेड, पेमेंट स्टेटस कंप्लीट, एप्लीकेशन स्टेटस एप्लीकेशन रिसीव्ड। टेंशन फ्री हो जाइए, आपका फॉर्म बिल्कुल सही है, एक्सेप्टेड है, डबल वेरिफिकेशन और पेमेंट भी सक्सेस है, एप्लीकेशन स्टेटस में सारे स्टेट देख सकते हैं, कंप्लीट, अपलोडेड कंप्लीट, कंप्लीट, एप्लीकेशन रिसीव, 2 प्रूफ हो गए हैं कि आपका फाइनल प्रिंट आउट डन है, बट जनरेट नहीं हो रहा, ये टेंशन आपको प्रॉब्लम है। तीसरा स्टेप जो है पेमेंट स्टेटस का, यहाँ क्लिक करके देखिए यहाँ पे पेमेंट की स्थिति क्या है, यहाँ पर भी सक्सेस है, आज ही पेमेंट किया गया 10/9/23 को और आज ही वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, क्योंकि कमेंट 2-3 दिन 4 दिन से पहले से आ रही हैं कि सर प्रिंट जनरेट नहीं हो रहा है,
लगभग मैंने 2 दिन से देखा है तो कमेंट कुछ ज़्यादा आई हैं, तो इसलिए वीडियो बनाया है आपके लिए फ्रेंड्स। तो आप जिससे वीडियो देखकर जो है आपकी प्रॉब्लम्स बहुत ही कम हो जाएगी, बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, यकीन मानिए आप। तो यहाँ हमने दिखा दिया पेमेंट स्टेटस, अब हम क्लिक करेंगे पेमेंट पर। आप देख सकते हैं यू हैव ऑलरेडी पेड द फीस। अब देखिए डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट सक्सेस है, एप्लीकेशन स्टेटस भी सक्सेस है, पेमेंट स्टेटस भी सक्सेस है, और पेमेंट पर क्लिक किया तो यू हैव ऑलरेडी पेड द फीस, यानी कि फीस पे हो चुकी है और एप्लीकेशन स्टेटस भी सारे स्टेप जो एप्लीकेशन स्टेटस के कंप्लीटेड हैं, यानी कि जो प्रिंट जनरेट नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका बिल्कुल क्लियर है। साइड प्रॉब्लम होने की वजह से अभी जो है डाउनलोड सर्वर से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, 2-3 दिन आप रुक जाइए और बीच में जो प्रयास करते रहिए, ज़रूर प्रिंट आपका जनरेट हो जाएगा, यकीन मानिए आप। अब हम करेंगे प्रिंट पर क्लिक। आप यहां पर देख सकते हैं जैसे ही हमने पेमेंट के बराबर से जो प्रिंट का ऑप्शन बना होता है वहां पर क्लिक किया तो यहां सीधा ड्राफ्ट प्रिंट जो है ब्लैंक आ रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है, जबकि डबल वेरिफिकेशन पेमेंट सक्सेस है, एप्लीकेशन स्टेटस के सारे स्टेप कंप्लीटेड हैं, पेमेंट स्टेटस कंप्लीटेड है, पेमेंट कर रहे हैं तो दोबारा पेमेंट नहीं हो रहा, सीधा ऑलरेडी लगकर आ रहा है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए क्योंकि आपके सारे स्टेप कंप्लीटेड हैं, सब कुछ सही है, फिर टेंशन किस बात की, क्यों परेशान हो रहे हैं कि वो साइड इशू है भाई, 2-3 दिन में वो हो जाएगा। इस समस्या से हम भी परेशान हैं लेकिन परेशान हम नहीं हो रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहे हैं कि हमें पता है 2-3 दिन में सर्वर मेंटेनेंस हो जाएगा, वहाँ से प्रिंट डाउनलोड होने लगेगा क्योंकि सारे स्टेप हमारे कंप्लीटेड हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि स्टेप बाय स्टेप सारे कंप्लीटेड हैं। अब वो कैंडिडेट जिनका पेमेंट फेल्ड है तो सबसे पहले तो उन्हें अपना डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट सक्सेस करना होगा, 1-2 दिन 4 दिन वेट करने के बाद, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया आपको पेमेंट स्टेटस चेक करें, उसके बाद पेमेंट पर क्लिक करें। यदि इनिशियली पेमेंट बता रहा है तो पेमेंट आपका वाकई में कटा है तो आपको इंतज़ार करना ही करना पड़ेगा, दोबारा पेमेंट होगा ही नहीं। अब जिनका फील्ड हुआ कट भी गया, ट्रांजेक्शन गेट में फंस गया है वो, तो उनका दोबारा पेमेंट होगा, उनके लिए इनिशियली ऑप्शन उसमें आगे नहीं आएगा। तो कटा है पेमेंट बट रिफंड नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में कम से कम 2-3-4 दिन वेट कर लीजिए और डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट करते रहिए। फिर भी समाधान नहीं हो रहा तो उससे पहले आप हेल्पलाइन नंबर या ईमेल के माध्यम से कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं SSC को, और यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो लास्ट टाइम अपना देखते रहिए, और लग रहा है कि टाइम नज़दीक आ रहा है तो दोबारा पेमेंट आप कर सकते हैं और ब्राउजर हिस्ट्री को क्लीन कर लें, उसके बाद ही पेमेंट करें। क्योंकि होता क्या कि हम ये कि उस पर काम करते रहते हैं और हिस्ट्री क्लीन नहीं होती है कुकीज़ वगैरह, तो वो दिक्कत हो जाती है, पेमेंट एरर हो जाता है, ठीक है। ज़्यादातर ATM या नेट बैंकिंग से करें वो ज़्यादा सही रहेगा, UPI से अगर आप कर रहे हैं तो काफ़ी एक्टिव रहना चाहिए आपको, और पेमेंट करते समय किसी प्रकार का कोई सिस्टम बंद होना या फिर नेट की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, जिससे कि पेमेंट आपका सक्सेसफुल एक बार में ही डिटेक्ट हो जाए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो फ्रेंड्स जो फाइनल प्रिंट जो आप क्लिक कर रहे हैं सक्सेस होने के बाद, सारे स्टेप आपके कंप्लीटेड हैं और प्लेज ब्लिंक आ रहा है, वो कुछ साइड इशू है, सर्वर इशू है, लेकिन वो जल्द ही समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो कैंडिडेट्स के फॉर्म हम भी फिल कर रहे हैं तो सब कुछ सही हो रहा है, बट प्रिंट जनरेट नहीं हो रहा है, तो वो हो जाएगा कुछ दिन बाद हो जाएगा क्योंकि सब कुछ कंप्लीटेड है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।